आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। पार्लियामेंट के चुनाव का आह्वान ऐलान हो गया है, तारीख भी फाइनल हो गई है। अभी गणित लगाया जा रहा है कि मालेगांव और धुरिया की मुस्लिम वोट जो है वो किंग मेकर होंगे, वो वोट जिसको जाता है वो जीत का दावेदार साबित होगा। आप भाजपा में बड़े पद पर है, मालेगांव में कामकाज कर रहे हैं, क्या तैयारी आपकी, मालेगांव से मुस्लिम वोट भाजपा को कैसे मिलेगा? जो गांव का हाल है अपने मुझसे बुरा हाल हो जाने पर, ये यहाँ पे चार खानदान चलती है मालेगांव मसले पे, इनूस दाता न्याल साहब और लेडी न्याल साहब और अपने समाजवादी जो है, चार खानदान जो है राष्ट्रवादी, ये चार खानदान के अलावा किसका भी यहाँ है नहीं। और ये चार खानदानों ने आज तक मालेगांव शहर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं करे, ना एक सीनियर कॉलेज दिया है, ना कोई स्कूलें दिया है, ना कुछ। ये सिर्फ रोड और गटर के नाम पे ही इनका राजकारण चला है और जातिवादी के नाम पे। मैं बोलता हूँ जातिवादी के नाम पे वोट देने की जरूरत क्या, मैं बोलता हूँ आज मुफ्ती साहब जातिवाद, तो बीजेपी भी जातिवाद पर ही होती है, बीजेपी भी जातिवाद करती है। मैं बोलता हूँ बीजेपी जातिवाद करती है तो तुम भी जातिवादी करती हो, तो तुम्हारे उनमें जातिवाद में फर्क देखो ना। मतलब ये बोलता हूँ गाँव वालों को, उनकी जातिवादी में तुम्हारी जात कर तुम कहाँ लगती हो, तुम्हारा कहाँ ठिकाना है। और बीजेपी जातिवादी नहीं है, विकास वाली पार्टी है, इनका काम है शहर में, खेड़ों पे, गांव में, पूरे हिंदुस्तान के हमें आज सब जो नितिन गडकरी जो करे हमारे यहाँ ब्रिज के काम, हमारे योजना। आज आशीष साहब जाते हैं फडणवीस साहब के पास से, वहाँ से लेके आती है फंड, फडणवीस साहब ने हमारा पापा फंड मंजूर किया, अपने दादा बुद्धि पीछे अपने ये जाते मुफ्ती साहब जाते हैं उनसे जल्दी फंड लेके आती है। अरे ये जातिवाद के नाम पे वोट देने के बाद मालेगांव के अंदर जो माहौल खराब करके रखी है ये, उसके बाद ये जाति तो वही है ना, सबसे तो हमारी पार्टी रहती है ना, लेकिन हमारी पार्टी इनको दी भी ऐसा नहीं है। वो बोलता मैं इतना करोड़ लाया, बोलता मैं इतना करोड़ लाया, मैं बोलता कौन से खाते से लाया ये मत बताओ, कौन सी सत्ता से लाया है, कौन सी हुकूमत से लाया ये बताओ। आज हमारा गाँव जो नौजवान हमारे जो है युवा लोग, आज मेरे साथ कम से कम 400 से 500 युवा जुड़े हुए है, आज हमारी अच्छी टीम है, वकील है, डॉक्टर है, सभी जुड़े हुए। और जो हाल मालेगांव शहर का है, आज जो कांग्रेस पार्टी का जितनी भी पार्टी है, जैसे मालेगांव के लोगों ने खंडर बना दिया, वही हाल तो उनकी पार्टियों का खंडर बन गया, उनकी पार्टियों का वजूद है कुछ। क्या तैयारी क्या है आपकी आने वाली? तैयारी है हमारे जो संगठन है, हमने 23 फरवरी को जो सभी बरात वाले हफ्ते में हमने लिया था प्रोग्राम मनोजी के नाम पे, हमारा प्रोग्राम सक्सेस था, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारी मध्य में ताकत दिखेंगी, काम दिखेंगे। और हम विकास के नाम पे आप लोगों से अपील करते आए हैं, विकास के नाम पे आप लोगों से बोलते आए हैं, हमारी ताकत, हमारी पार्टी की ताकत बहुत है, ये MLA से इनसे सबसे कापड़ों से ज्यादा है, लेकिन हमारी जो ताकत मेन वोट की नहीं है। आज पब्लिक वोट डे हमारे साथ में लगे और भाजपा और जनता पार्टी का विकास के काम कराए और मालेगांव को सुधारे। डॉक्टर सुभाष भामरे साहब के नाम पर ये आ रहा है कि वो सक्षम मतलब नहीं है, उम्मीदवारी बदलना चाहिए, दूसरे को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। देखो मैं जितना ही बोलूंगा, जो सक्षम रहता है उसके पीछे दुश्मन रहते हैं, जिसकी जिसकी ताकत रहती है उसके पीछे विरोध होता है सांसद के अंदर। ये तो मैं देखते आयो मेरे खुद के लिए भी, मैं छोटे पत्ते हुआ मेरे विरोध कितने होते हैं, तो सक्षम के लिए विरोध होते हैं, हाँ ना, नहीं तो विरोध करने की जरूरत क्या इनको। मालेगांव मध्य से, हाँ क्या लगता है आपको भाजपा को आप बड़ी असल का वोट दिला पाएंगे? इंशाल्लाह मालेगांव मध्य का आज जो माहौल चल रहा है, आज जो मेरे माँ बहने उलमाए करम और मेरे जो भी भाई बुजुर्ग जो है, आप समझ रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ लगना है और लगकर हमें काम करना है, बाकी अब इलेक्शन आएगा वो वक्त बताएगा आप लोगों को। हम मुफ्ती साहब का तो अलग ही फंडा रहता है, पर पार्टी चेंज करना, अरे पार्टी मैं तो जब से हो संभालो, मेरे पिताजी मेरे जो बाप थे, मेरे पिताजी थे, वो ये तो बेटा कम से कम सियासत में अपोजिशन अच्छी होना चाहिए। ये तो कहा कहा की पार्टी लाते हैं, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ ये 2-3 MLA रहती है। अल्लाह रहम करे, मैं इतना ही बोलूंगा, अल्लाह इनको सबको जो भी है नेक हिदायत देवे, सही गाइडेंस करे, सही रहनमाई करे और सत्य के साथ जुड़े। मैं सबको अपील करता हूँ इंशाल्लाह, मेरे इतना बोलने जो बात बोलने खत्म करो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। क्या लगता है आपको बीजेपी मालेगांव शहर में मजबूत होंगी आने वाले चुनाव में, उनको वोट मिल पाएगा? आज बीजेपी पार्टी जो हिसाब से करवट बदली है मालेगांव के हालात देखकर, क्योंकि आज तक जो भी पार्टी मालेगांव में आई है चुनकर, सिवाय मालेगांव को खंडर बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। दिन ब दिन मालेगांव की सड़कें, गटर, मेरी माँ बहनों को नल पानी की हर बातों की तकलीफ होते आई है,
किसी ने आज तक इनके तकलीफों को नहीं जाना है, न इनमें सुधार किया है। 5 साल वोट लेने के बाद भी कभी ये लोग पलट के उनकी तकलीफों को दूर नहीं किया। आज मालेगांव में एक वार्ड या एक मोहल्ला ऐसा नहीं है कि चलो कोई एमएलए या कोई भी ऐसा चुन के आने वाला इंसान उस वार्डों को सुधारा होगा। सिर्फ सत्ता के नाम पे बीजेपी को बदनाम किया गया है। आज मालेगांव की जो महिलाएं हैं सब चीजों से इस कदर उभर चुकी है कि मतलब उन लोगों का तो बस अब यही बोलना है कि हमने हर पार्टी का साथ दे के देखा है, विकास के नाम पे सब ने हमसे वोट ही लिया है, सिर्फ काम किसी ने नहीं किया। लेकिन अब बीजेपी के साथ हम देखेंगे कि हम मालेगांव का विकास कैसे होगा, इसलिए अब सब हम मैदान में उतरे हैं और हम ये जंग लड़ के रहेंगे। धुळे मतदार संघात डॉक्टर सुभाष भामरे यांचा तिकीट पक्ष भाजपातर्फे झालेला आहे, फायनल झालेला आहे, पण धुळे मतदारसंघात काहीतरी विरोधात त्या नावावर येतील आणि हा सक्षम उमेदवार नाही आहे अशी प्रतिक्रिया पण येत आहे। आपण 2 दिवस अगोदर बघितलं होता, एक बॅनर पण लावला आलं होता त्यांच्या नावाने, मग त्या संदर्भात आपली काय प्रतिक्रिया आहे? सुहास बाबा भामरे प्रख्यात डॉक्टर आहे, समाजाची सेवा केलेली आहे, सर्वजण जाणून आहे, कॅन्सर रोग तज्ज्ञ आहे, त्यांचा मुलगाही आहे आणि ते मागच्या वेळेस निवडून आले त्यावेळेस संरक्षण राज्यमंत्री होते। संरक्षण राज्यमंत्री पदावर असताना अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे। पाकिस्तानात गेलेला सैनिक या माणसाने, बोरविहीरचा या माणसाने पाकिस्तानातून परत आला, म्हणजे अतिशय दिलेली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडणे असं नेतृत्व आहे। त्यांच्या स्वभावामध्ये वैचारिक परिपक्वता आहे। भारतीय जनता पक्षाने त्यांची कामगिरी बघूनच त्यांना तिकीट दिलं आहे। मी स्वतः एका गोष्टीचं म्हणजे बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे काही जण आखाती देशांमध्ये अडकले होते, त्यांचं पासपोर्ट जप्त करून घेतलं होतं, जीवन मरणाचा त्यांचा प्रश्न होता। सुभाष बाबा भामरेंच्या कानावर टाकल्यानंतर सुभाष बाबा भामरेंनी भारताचे जे आखाती देशामध्ये प्रतिनिधी आहेत त्यांना सांगून माणसं पाठवून त्यांना परत माहिती दिली, असा कर्तव्य दक्ष खासदार आहे आणि हे सगळं बघून त्यांना तिकीट मिळालेलं आहे। पक्ष वाढतंय मोठ्या प्रमाणात, अनेक लोकांच्या अपेक्षा होत्या की मला तिकीट मिळावं, पण पक्षाने त्यांचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे, त्यांना तिकीट दिलेलं आहे आणि ते उमेदवार म्हणून, चांगले उमेदवार म्हणून आहेत आणि ते राहतील।